प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग, एक मजेदार और एक तगड़ी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे मेरे खुद के फेवरेट और देशभक्त रमणीक सिंह मान साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। साथ हैं जी रामनिक सिंह मन, और सभी रामनिक सर को जानते हैं और देखते और सुनते रहते हैं और ट्विटर पे भी देखते रहते हैं, वीडियोस में भी देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच कि आ जा पाए, बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद सारिया नु, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, बहुत अरसे बाद थोड़े चैनल ते आए हैं जी। So, आप भी बिजी रहते हैं सर, आप भी बहुत बिजी रहते हैं, कभी इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, और हम एक तरह से पीछे पीछे चेस करते रहते हैं कि रामनिक सर से टाइम मिल जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप बिजी होते हैं, फिर आप कहते हैं बताऊंगा, फिर गायब हो जाते हैं। तो फिर मैं ज्यादा परेशान नहीं करती, बल्कि आज भी मैं घर पे भी यही बात करी थी, मैंने कहा कि नहीं, मैंने रामनिक सर से टाइम लिया है और वो ज्वाइन करेंगे। तो सर सबसे पहले अगर हम, वैसे तो हमें चाबहार पोर्ट की भी बात करनी है और हमें ये भी समझना है आपसे कि आप लोग जो है वो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, ईरान उसमें जाहिर है कि शामिल है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 10 साल के लिए जो है वो कंट्रोल भारत को दे दिया गया है। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डांटते हैं जी, अगर हम उनको बोलें कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं वो आके और मना करना शुरू कर देते हैं। आप लोग ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाता? देखिए बात ना यहाँ पे कोई अमल करने की या मंत्र पढ़ने की या कोई हवन करने की नहीं है। इट इज प्योर एंड सिंपल दैट इंडिया एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक ज्यादा ताकतवर देश है। भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, चाहे वो डिफेंस में हो, फाइनेंस में हो, डिप्लोमेसी में हो या R&D में, टेक्नोलॉजी में हो, आपको बहसियत पाकिस्तानी इस बात की हैरत होगी कि भारत ने अगले साल से वेपन्स इंपोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। हम रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि वॉलंटरिली वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट, खुद मुख्तार या आत्मनिर्भर कह लीजिए, भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है। और वो सब जो देन है वो एक आदमी की सोच में, जिसने इस देश को, इस मुल्क को, इस मुल्क के भविष्य को, या उर्दू में कह ले तो मुस्तकबिल को बदल दिया है। और जो एक बेसिक डिफरेंस जो आपने पूछा, आप ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, तो उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी, और उसको शॉर्ट में लोग नमो बोल देते हैं। उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने भारत की तकदीर को, भारत के भविष्य को, मुस्तकबिल को आज से 10 साल पहले बहैसियत हिंदुस्तानी एक भारतीय के नाते, जहां हम ये महसूस करते थे कि इंडिया इज होपलेस और ये इंडिया यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये इंडिया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता यार, ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये तब्दीली नहीं आ सकती, या आम एक वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया था यार, ये कौन सा कोई मसला है कश्मीर है जिसका हल नहीं होगा। तो ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ देश की इबारत बदली, देश का भविष्य बदला, ग्लोबल पोजिशनिंग चेंज की है इंडिया की। आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक इंडिपेंडेंट हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम बैलेंस करते हैं रशिया और US के बीच में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो यूरोप के साथ हो, चाहे फ्रांस के साथ हो। सो इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट इंडिया। और अभी पाकिस्तान को, यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो आवाम हैं आपकी या जो आपके शहरी हैं, उनको इस बात की धीरे 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 आदत पड़ती जा रही है कि भारत बहुत मजबूत हो चुका है। और वेस्ट के अंदर भी, मगरिब में भी, पश्चिमी देशों के अंदर भी जो आला लीडरान हैं उनके,
उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि इंडिया भारत हैज अराइव्ड। और मैं जैसे बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि इंडिया हैज अराइव्ड एंड द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग इन ओवेशन, दोनों हाथ जोड़ के ताली मार के भारत का स्वागत कर रही है दुनिया कि भारत अब वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे अराइव कर चुका है, पहुंच चुका है एंड भारत एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है जिसको प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी कुव्वत, एक ताकत के रूप में दुनिया के अंदर भारत उभर रहा है जिसको कोशिशों के बावजूद जो है वो दबा नहीं पा रहे। कोशिश की जा रही है भारत को उसकी राइटफुल पोजीशन डिनाई करने की, पर जैसा मैं आपको कह के आता हूँ कि भारत जो है वो चेंज्ड भारत है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बात दोहराना और कहना कि एक समय पे हम छोटे होते थे तो एक हम गाना, एक गीत जो है वो गाते होते थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, तो वो दिन आ चुका है, बल्कि वो दिन गुजर चुका है, हम कामयाब हो चुके हैं। अब आपकी इस्टेब्लिशमेंट में या दुनिया में कुछ लोग या कुछ ऐसे इदारे हैं या कुछ ऐसे मुल्क हैं जो इस बात को डिनाई करना चाहते हैं, इस बात से भागना चाहते हैं कि भारत कामयाब मुल्क है, कामयाब मुल्क की हैसियत से अपने आप को ग्लोबल पोजीशन में, ग्लोबल निगोशिएशंस में, ग्लोबल डिप्लोमेसी में प्रेजेंट करता है। तो आपका जो सीधा सवाल उसका सीधा जवाब, जिस मंत्र की या जिस अमल की आप बात कर रहे हैं उसका नाम नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल ऐसा ही। वैसे आपको शायद पता ही हो, लेकिन पाकिस्तान में भी अब मोदी जी के काफी फैन हो गए हैं। और खास तौर पे मैंने पहले भी अपने एक शो में बताया कि जो छोटे इलाके हैं, चाहे वो केपीके के हों, चाहे वो पंजाब या सिंध के हों, वहां पे जो लोग हैं वो तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मोदी जी ने लिए है अपना काम के अपने काम के जरिए, जाहिर है। लेकिन कुछ चेंज आपको सर नजर आ रहा है पाकिस्तान में कि अब लोग जो हैं वो खुलकर प्रोटेस्ट करने लगे कश्मीर में, मीडिया दिखा रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, फौज एजेंसी हो चाहे गवर्नमेंट हो, लोग अब उनके खिलाफ भी बात, अगर उनकी कोई बात यानी उनको नहीं सही लगती है पब्लिक को, तो वो खुल के बोलने लगी है। अब पब्लिक ने डरना छोड़ दिया है। देखिए, मैं पहले तो हम थोड़ा सा आज 4 दिन लेट हैं। आज 13 मई 2024 है और 9 मई 2023 का जो दिन था उस दिन के बारे में मैं आपसे जिक्र करता हूँ। आप 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाते हैं, पाकिस्तान डे। आप 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। आप 6 सितंबर को डिफेंस एंड मार्टियर्स डे मनाते हैं। आप 9 नवंबर को इकबाल डे यानी योम इकबाल मनाते हैं। आप 25 दिसंबर को योम कायदे आजम मनाते हैं यानी कि कायदे आजम डे। तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत तारीखी दिन पाकिस्तान की तारीख में, इतिहास में, हिस्ट्री में लिखा गया, और वो तारीखी दिन था 9 मई 2023। और इस दिन को मैं चाहता हूं कि आप लोग योम इनकलाब के रूप में या योम आवाम के रूप में मनाएं, जब पाकिस्तान की उस आवाम ने उस एस्टैब्लिशमेंट, उस फौज के खिलाफ, उस पाक फौज के खिलाफ जिसने इतने साल इंतहा तशद्दुद किए हैं अपने ही शहरियों के ऊपर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो जहाँ पे आपके ऑक्यूपाइड हिस्सा है पाक पीओके पीओजेके में, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, या इंतहा जो है जिसे कहते हैं तशद्दुद की वो बलूचिस्तान में हो, तो लोगों ने पहली दफा, पाकिस्तानी आवाम ने ये हाह दा नारा मार के कहा कि असी हले जीउंदे हाँ, असी इस फौज की तशद्दुद के खिलाफ, इस जुल्म और जबर के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, चाहे वो रावलपिंडी के गैरिसन हो, चाहे वो लाहौर के जर्नैलों के घर हों, उनके घरों के अंदर घुस के आवाम ने अपने जिंदा होने की, अपने अपनी एक ताकत दिखाने की जो एक कार्रवाई करी, एक काम किया। तो मैं समझता हूं कि ये यौम इंकलाब का दिन 4 दिन पहले गुजर के हटा है पाकिस्तान में। तो इस नाते से या उस नजर से अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज नॉट ऑल बट लॉस्ट। पाकिस्तान के अंदर एक जागरूकता, एक कहते हैं ना कि जाग रहा है अभी पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के लोगों को जब ये पता लगेगा कि
कि किस कदर पाकिस्तानियों के हक हकूक मार कर ये जर्नैल कोई पापा जॉन पिज़्ज़ा, कोई मिलियनियर, कोई मल्टी मिलियनियर, कोई बिलियनियर बन के पाकिस्तान को बेच के, पाकिस्तान की आवाम के हक का पैसा खा के, जो गरीब के मुंह से निवाला छीन के अपनी जेबें भरते हैं, सोने की अशरफियां अपनी इकट्ठी करते हैं, डॉलर इकट्ठे करते हैं, अपने बच्चों को बाहरले मुल्कों में पढ़ाते हैं, उस पाक फौज के खिलाफ जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई, तो वो आप मान के चलिए यौम इनकलाब पाकिस्तान के अंदर एक नजर आया, देखने को मिला। तो उस हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें एक अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर आ रही है कि लीडर ऐसा भी हो सकता है जिसकी 4 बीवियां 5 बीवियां 14 बच्चे ना हो, जो बिल्कुल तनहा हो, अकेला हो, पर 140 करोड़ आवाम या पाकिस्तान की नजर से 22-25 करोड़ आवाम उसका परिवार हो, उसका कुंबा हो, उसकी फैमिली हो, या उसका पंजाबी जिमें कहने होता टब्बर हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और अमनीक सिंह मान साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा भारत के बेटे रमनीक सिंह मान साहब ने कितने बेहतरीन तरीके से आरजू काजमी जी को भारत की तरक्की का मंत्र समझाया और बताया कैसे एक शख्स यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना सिर्फ भारत की किस्मत बदली है बल्कि आने वाला जो भविष्य है उसे भी पूरी तरह से बदल के रख दिया। और इन दोनों ने चर्चा की भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कैसे इस समय भारत का दबदबा पूरे विश्व भर में है और कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी ने हर देशों के साथ अपने रिश्ते मेंटेन करके रखे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।